सलमान और शाहरुख को जमकर फटकनी दे रहे हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार। फिल्मों में तो पहले से आगे हैं ही, लेकिन फीस के मामले में भी एक्शन इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों को अब पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। भाई सलमान, शाहरुख और आमिर, ये तीन खान इंडस्ट्री के सबसे महंगे और पॉपुलर एक्टर माने जाते हैं, लेकिन इन तीनों को पिछले काफी सालों से अकेले ही टक्कर दे रहे हैं अक्षय कुमार। जहां इनकी साल में 2 से 3 फिल्में या फिर इससे कम ही रिलीज होती होंगी, वहीं अक्षय कुमार साल में अपने फैंस के लिए बड़ी ही आराम से 4 से 5 फिल्में तो ले ही आते हैं। और तो और, अक्षय जिस स्पीड से फिल्मों को पूरा करते हैं वो भी हैरान कर देता है। तभी तो आज हर दूसरा डायरेक्टर अक्षय के साथ काम करना चाहता है। अब भाई अक्षय की बढ़ती डिमांड की वजह से उनकी फीस बढ़ना तो लाजमी ही है। ऊपर से हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाती है, ऐसे में अक्षय ने अपनी फीस 90 करोड़ से सीधा 135 करोड़ तक बढ़ा डाली है। यानी कि फिल्मों के मामले में खान्स को पीछे छोड़ने के बाद अक्षय ने फीस में भी सबको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आखिर अक्षय के साथ इंडस्ट्री के आधे से ज्यादा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर क्यों काम करना चाहते हैं, और उनके साथ काम करना उन्हें फायदे का सौदा क्यों लगता है? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अक्षय के साल में 4 से 5 फिल्में तो रिलीज होती ही हैं। ऊपर से सबसे बड़ी और जरूरी बात, अक्षय का रूटीन, वो इस तरह से अपने एक के बाद एक काम निपटाते हैं कि मेकर्स के लिए अक्षय कभी घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता। अक्षय एक फिल्म पूरी करते हैं और बिना ब्रेक लिए दूसरी फिल्म में लग जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अक्षय अपनी एक फिल्म की शूटिंग 30 से 40 दिनों में ही पूरी कर लेते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय की फीस और फिल्म का टोटल एक्सपेंडिचर मिलाकर कुछ 190 करोड़ का बजट बैठता है। और फिल्म बहुत ही आराम से डिजिटल, OTT, म्यूजिक राइट्स और थिएटर से 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ही लेती है। और अक्षय की फिल्म में होने से रिस्क पहले से ही लो होता है, ऐसे में मेकर्स के पास अगर अक्षय हैं तो उनकी लैंग्वेज में उनके पास उनका फायदा है। कुल मिलाकर अक्षय समय इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स को जमकर मात देते हुए नजर आ रहे हैं, और सलमान और शाहरुख से ज्यादा बॉलीवुड के बिजी स्टार बने हुए हैं। जल्द ही अक्षय की सूर्यवंशी सिनेमा घरों में रिलीज होगी, भले ही एक बार फिर से फिल्म की रिलीजिंग को पोस्टपोन कर दिया हो, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि फिल्म इसी साल बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। इसके अलावा बच्चन पांडे, बेल बॉटम, रक्षाबंधन, राम सेतु, अतरंगी रे जैसी बहुत सी फिल्मों में अक्षय नजर आने वाले हैं। खैर, लिस्ट यहीं तक नहीं बल्कि हफ्ते दर हफ्ते ऐसा लग रहा है कि बढ़ ही जा रही है। ये साल तो अक्षय ने पूरा पैक कर ही लिया है, लेकिन पिछले साल का भी काफी हद तक खाता अक्षय ने इसी साल खोल डाला है, जिसका मतलब साफ है कि अक्षय की पाइपलाइन में इस समय फिल्मों का भंडार लगा हुआ है। आप किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अपने जवाब जरूर। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।